बेगूसराय में एक कलयुगी भाई ने अपनी मान मर्यादा को तोड़ते हुए एवं अपने जीजा का सामान को ठेस पहुंचाते हुए एवं अपनी बहन की लाश तार तार करते हुए एक भाई ने अपने जीजा के साथ अजीबोगरीब कारनामे किए हैं। बेगूसराय के जीडी कॉलेज स्थित निवासी भूतपूर्व सैनिक सरोज कुमार केसाला ने अपने जीजा का जेसीबी को फर्जी कागज बनाकर गलत उपयोग करने का आरोप भूतपूर्व सैनिक सरोज कुमार ने अपने साला पर एवं भूतपूर्व सैनिक की पत्नी ने अपने भाई पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाई लालच में आकर गलत तरीके से जेसीबी के कागज को फर्जी बताकर उसे गलत तरीके से यूज कर रहा किया जा रहा है, जो भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी पत्नी अपने भाई के खिलाफ रतनपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे न्यूज बिहार के लिए अमरेश कुमार की रिपोर्ट। संजीव सिंह जो है 5 लाख लोन जेसीबी पर उठा लिया, तो हमने जो है उस महेंद्रपुर गाँव के मुखिया से पंचायत करवाया और उसके बाद जो है मेरे पास पेपर बना हुआ था हाफ रिपीट का कि इस जेसीबी का मालिक हम हैं और पूरा जेसीबी का खर्चा पानी जो भी है हम दिए हैं और जो है उसमें उसका 1 रुपया भी लागत नहीं है। तो वो 5 लाख पहले रुपए गमन किया और उसके बाद जो है 5 लाख उसके बाद जो है जैसे जेसीबी का 3-4 किस्त ड्यू हुआ तो फाइनेंसर महापात्रा जो है बिहार चीफ के हेड हैं उत्कल महापात्रा और संजीव कुमार मेरा साला जो है दोनों मिल करके जो है उत्कल महापात्रा बोले कि 5 लाख रुपये। उत्कल महापात्रा पेशर नहीं जानते हैं, वो मेगमा फाइनेंस कंपनी के चीफ हेड हैं और जो बिहार पटना में बैठते हैं। तो उन्होंने जो है उसको बताया कि जो है हमारे साले को लोभत दिया कि जो है हम 5 लाख रुपया तुमको छोड़ देंगे, तुम जैसे भी कहो वो लिख करके दे दो, हमको नहीं चाहिए। और ऐसा करके कोर्ट से चुपचाप केस करके कोर्ट से नोटिस करा करके और मेरा जैसे भी को थाने में जबरन लाया गया। और जो है जब हम इसको छुड़ाने के लिए हमने भी FIR किया, हमने भी केस किया, तो उसके पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत नहीं कर रहा है ताकि जो है इसके ऊपर जो है मेरा जैसे भी बाहर ना निकले। और जैसे भी के ऊपर जो है कलकत्ता सिटी जज कोर्ट ने भी हमने केस किया इसको मुक्त कराने के लिए और जो है अपना रतनपुर थाने में भी केस आपराधिक दर्ज हुआ है 400BC का उत्कल महापात्रा और जो है हमारा साला संजीव कुमार सिंह जो हत्या के निवासी हैं। आपके ससुर का क्या नाम? हमारे ससुर का नाम स्वर्गीय राजेश्वर प्रसाद सिंह और हमारा चिमनी जो है बंद हो रखा है इस जेसीबी के कारण, जो जेसीबी मेरा यहाँ पे थाने में पड़ा हुआ है। हम इसको किस्त दे करके भी निकालना चाहते हैं लेकिन जो है ये लोग जो है उत्कल महापात्रा जेसीबी को 20 लाख में बेच करके और कंपनी को 12 लाख रुपये दिखा रहा है और 8 लाख रुपये जो है उसका वकील और आर्बिट्रेटर सब मिल करके 8 लाख रुपये पर्सनली कमा रहा है। इस दौरान जो है मेगमा फाइनेंस कंपनी के क्या बोलते हैं अपना गोविंद और अभिमन्यु दोनों जो है ब्रांच मैनेजर जो है इसको बोले कि सर इनके साथ ऐसा नहीं किए कीजिए, ये जो है एक सैनिक हैं और रिटायर्ड बेचारे सैनिक आए हैं, अच्छे आदमी हैं और इनके साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। तो उन दोनों को जबरन जो है मतलब जो उनसे कंपनी से रिजाइन करवा लिया, जबकि इस जेसीबी के में गवाह वो भी हैं कि ये जेसीबी हमारी है। मेगमा कंपनी के 5 गवाह हैं और उसमें जो है 1000 के स्टाम्प पे बना हुआ कि ये जेसीबी मेरा है, इसमें पूरा खर्चा मेरा लगा है। इसमें किसी का प्रूफ है, हम आपको प्रूफ के साथ सबूत पेश करेंगे और जो है 7 तारीख को थाने में रतनपुर थाने में FIR दर्ज हुआ है उत्कल महापात्रा और जो है हमारे साला संजीव सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का 400BC का और 5 धाराएँ लगे हैं और इसकी जाँच चल रही है। हमने कल SP साहब को भी आवेदन दिया है जा करके उनके घर के आवास से और हमने बोला कि सर हमारे को आर्थिक क्षति हो रही है, 2-3 महीने से मेरा जेसीबी पड़ा हुआ है जिस कारण हम आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, इसका किस्त भी चल रहा है और हमारा जो है इसमें 12 लाख रुपए की लागत है जो हमारा डूब रहा है कि किसी भी तरीके से जेसीबी को हमारे को मुक्त करा दें ना, हमें उचित न्याय मिले। जो एक घरौली आदमी का मतलब रिश्ता है, मामू भगना है, इसमें कोई बातें नहीं है, दे दिया अपना नाम से सब कुछ निकाले। इसके बाद उसके मन में छल कपट आ गया, जो डाउन पेमेंट हम किए, इंश्योरेंस भी करवाए, सब कुछ करवाए और उसके बाद उसको लालच आ गया कि जो जैसी भी कहीं भी मतलब उसको बेईमानी उसके मन में आ गया। अब किस प्रकार का बेईमानी उसके मन में आया उसको हमको पता नहीं है। हाँ जी हाँ, वो मेरा भाई है, हम उनके बहन हैं, 3rd नंबर में है, हाँ सबसे बड़े भाई हैं। अरे भैया इस तरह का काहे उसके साथ हो गया, अब किया वो मेरे साथ, हमको लगता है उसके मन में पाप आ गया, उसके मन में छल कपट आ गया कि जो जेसीबी में हम अपना जो लागत है वो हम कथी कर रहे हैं, ये जेसीबी हम काहे अपराधी ले लें, जबकि डाउन पेमेंट हम लोग करते हुए गए।
सरोज कुमार डाउन पेमेंट करते हुए गए और उसका अथी भी है और कहता है सब कुछ भी कागज पत्र में, उसने जो भी किया उसके मन में पाप आ गया, हम इतने समझते उसके मन में पाप आ गया, लोभ लालच आ गया था जैसे भी के चलते उसके मन। सरोज कुमार भी गए थे बात करने के लिए, मेरे पति हैं और मेरे लड़का भी गया था, लड़का का मेरा कृष्ण कुमार नाम है, हम भी गए थे तो बातचीत वातचीत किए थे, बोले कि आपको जब हम पैसा जमा कर रहे हैं सब कुछ हम कर रहे हैं इसमें आपको क्या लोभ लालच है, सिर्फ आपके नाम से ही है ना और कुछ भी तो नहीं है ना, मगर उसके मन में छल कपट रहता है कैसे। अच्छा मन होने की स्थिति सभी का एक बराबर नहीं रहता है हर समय, जब तक पैसा था तब तक हम तो दो चार महीना हम रहे, हम लोग का स्थिति थोड़ा गड़बड़ा गया, किस्ती नहीं दे पाए, अरे किस्ती नहीं दे पाए तो आज नहीं तो कल किस्ती वाला लेता ही पैसा, उसको हम पेमेंट करते, उसको पेमेंट से मतलब था, वो जाके इस तरह का छल कपट हम लोग के साथ कर लिया। लगभग ये रखिए ना कि 4-5 महीना से उसका मन में छल कपट आ रहा है, 5-6 महीना से छल कपट उसके मन में आ रहा है। हाँ अब जब हार गए बोलते बोलते भाई को समझाते समझाते 10 लोग भी लगाए थे, सब कुछ हम समझाने का बहुत कोशिश किए थे तो नहीं वो समझा उसको, उसको अपना दिमाग वो सोचा कि जो हम समझ मतलब समझता है हर बात मगर समझने के लिए नहीं चाहता है। हाँ मेरे पिताजी गुजर गए हैं, मेरे माता हैं, उनसे भी हम बात किए मगर वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरा पति का कहता है यही है कि जो जैसे भी जैसे हम लोग पैसा डाले हैं जैसे भी हम लोग को नाप पर चढ़ा दे, जैसे भी कहता है जो डाउन पेमेंट हर चीज़ में हम किए हैं सिर्फ उसके नाम से और कुछ भी नहीं। मेरा नाम मुन्नी देवी है, पति के नाम सरोज कुमार सरवण कुमार, मेरा भाई माँ जी संजीव कुमार सिंह मेरे मामा है, उनका घरेलू नाम सरवण सिंह है। हम उनको बोले कि मामा जी हमें एक जेसीबी आपके नाम से लेना है, बोले ठीक है ले लो मामा भगना का बात है ले लो। हमने उनके नाम पे जेसीबी ले लिया, उसमें सारा फाइल चार्ज डॉक्यूमेंट चार्ज डाउन पेमेंट जो भी हुआ ऑफिस खर्चा कुल मिला के 4.5 लाख रुपया हमने अपने अकाउंट से जमा किया उस वक्त गाड़ी लेने में। फिर हम पटना एजेंसी जाके गाड़ी खरीदे, उसके बाद हम मंथली मासिक किस्ती देते रहे, बीच में हमारे साथ कुछ परिस्थिति गड़बड़ा गई जिस कारण हमने 1-2 किस्त नहीं दिया। उसी बीच मेरे मामा जी संजीव कुमार सिंह ने 4,94,000 का लोन उत्कल महापात्रा जो कि बिहार के हेड है उनके साथ मिलकर पटना से 4,94,000 का लोन किस चीज के है जेसीबी पे 4 लाख। जब हमने उनको बोला कि आपने ये 4,94,000 का लोन क्यों निकाल लिया, तो उन्होंने बोला हमें अपनी बेटी का शादी करना है इसलिए 4,94,000 का लोन निकाल लिया था। हम भी सोचे मामा है कोई बात नहीं है, पैसा का जरूरत उनको लगा तो उनको हमने दे दिया कि आप इसको मंथली इंस्टॉलमेंट जमा कर दीजिएगा, लेकिन उनके मन में बेईमानी का नियत का खोट आ गया कि हमें जेसीबी ये 4,5,94,000 रुपया जमा नहीं करना है। और वो उत्कल महापात्रा दोनों मिलकर मेरे जेसीबी पर पहले मेरे ऊपर मुकदमा किया फॉर्जरी जिसका हमें एक भी बात की अनुभूति नहीं थी। उसके बाद उन्होंने पता नहीं कोर्ट से कौन सा फॉर्जरी कागज लाया और यहाँ हमारे घर से ज़बरदस्ती जेसीबी उठा के ले जाके थाना में सुपुर्द कर दिए संघोलोपी में, जबकि थाना वाला भी यहाँ पे नहीं आए थे जेसीबी लेने के लिए। मेरे मामा उत्कल महापात्रा और 10-20 गुंडा जो कि उनका सीजर होता है उन सबके साथ मिलकर गाड़ी उठा कर लेकर चले गए ज़बरदस्ती। हमने कितना भी कहा कि 1-2 किस्त गिरा हुआ है तो हम किस्ती बराबर देते रहेंगे, हमें हमारी जेसीबी नहीं लेके जाइए, ये जेसीबी हमारा है, हमारे मामा के साथ एग्रीमेंट भी बना हुआ है 1,000 रुपये के स्टैंप पे बारकोड पे उनका फ़ोटो लग के मेरे पिताजी सरोज सिंह जो है उनका और मेरे मामा संजीव कुमार सिंह का और मैगमा के कर्मचारी का दस्तखत मोहर सब कुछ उस पर बना हुआ है, फिर भी हमारी जेसीबी जबरन उठा के यहाँ से लेके चल गए। मैगमा कंपनी के उत्कल महापात्रा चाहते हैं कि 20 लाख का 12 लाख हम लोगों से ले लिए हैं, उसके बाद 20 लाख रुपया में हम जेसीबी बेच देंगे, 20 लाख में बेचेंगे उसमें कंपनी को वो 12 लाख रुपया ही शो करेंगे क्योंकि लोन 21 लाख का ही है, 24 लाख में कंपनी से वो सेटल कर लेंगे जो 2-3 लाख ब्याज है, बाकी का 8 लाख रुपया वो जेसीबी में गबन करके कुछ हमारे मामा संजीव कुमार सिंह को हिस्सा देंगे और कुछ वो अपने जेबी में रखेंगे और 4,94,000 का जो हमारे मामा जी लोन उठाए वो अलग वो गबन करेंगे। कुल मिला के इन्होंने अपना प्लान बना लिया कि 12 लाख 13 लाख सरकार का रुपया गबन कर जाना है मैगमा फाइनेंस कंपनी जो कि अभी पूना वाला फाइनेंस कंपनी है, मर्ज हो जाने के बाद उसका नाम पूना वाला फिनक्रॉप हो गया है, ये दोनों मिलकर पैसा गबन करना चाहते हैं और हमारे घर से 12 लाख रुपया जो हमने जेसीबी में लगाया अपने खून पसीने मेहनत से कमाकर उसको भी चाहते हैं गबन कर लें।
हमने थाना में लेने का बहुत प्रयास किया, हमने थाना को भी सारा कागज दिखाया, अंततः थाना में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद हमने जो है इस गाड़ी के ऊपर FIR हमारे अपने रतनपुर OP जो कि हमारे घर से JCB, क्योंकि ये लोग रंगदारी करके हमारे घर से JCB ले गए, तब हमने अपने लोकल थाना नगर थाना रतनपुर OP क्षेत्र में सारे बात को बताया, सारा कागज पेश किया, उसके अवलोक में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। उत्कल महापात्रा जो कि पूनावाला फिल्म क्रॉप के बिहार के हेड हैं, जो कि पहले मेघमा फाइनेंस कंपनी था, और संजीव कुमार सिंह के भी ऊपर FIR हो चुका है 420 के तहत। थाना